सेविंग हो या फिर क्रेडिट, दोनों ही तरह के खाता धारक अपने खाता संबंधी बातों के लिए कॉल सेंटर से संपर्क करते हैं। लेकिन इस दरमियान अनजाने कॉल को रिसीव करने के दौरान हम भूल जाते हैं कि हम जिसके संपर्क में हैं वो हमारे कार्ड की वैधता और ट्रांजैक्शन संबंधी बातें करके एक बड़ा खेल करने वाला है। और यही हुआ ग्रेटर नोएडा में, जहां कार्ड क्लोनिंग के जरिए एक अध्यापक को ठग लिया गया। फोन पर रहें सावधान, अनजाने कॉल से बचें, हो सकता है बड़ा धोखा, हो सकते हैं पल में कंगाल, एटीएम क्लोनिंग का बड़ा गेम, फ्रॉड का क्लोनिंग कनेक्शन, यानी आपके एटीएम का भी क्लोनिंग तैयार हो सकता है। आपके खाता संबंधी जानकारी कोई दूसरा हैक कर सकता है, आपके खाते से पैसा खाली कर सकता है। और इसकी एक बानगी ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली, जब पेशे से अध्यापक प्रवेश सिंह ने 31 अक्टूबर के दिन अपने मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव किया। 11:54 पर 20,000 रुपया निकला, 12:04 पर 10,000 रुपया निकला, 12:26 पर 10,000 रुपया निकला। दनादन 3 बार पैसों के ट्रांजेक्शन को लेकर अध्यापक प्रवेश सिंह की मुश्किलें बढ़ी थी, क्योंकि चंद वक्त पहले उन्होंने अपने फोन पर तो इस बात का भरोसा जीता था कि उनके खाते से कोई गलत ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन चंद वक्त बाद ही खाता संख्या से जुड़ी जानकारी पर्सनल नंबर पर आई तो अध्यापक के होश फाख्ता हो गए, रात की नींद काफुर हो गई। गलत ट्रांजेक्शन का हवाला देने वाला कौन था, कौन नहीं, ये जाने बगैर प्रवेश सिंह से बातचीत के दौरान अनजाने नंबर पर बात हुई। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और ये भी बड़ी भूल थी कि उन्होंने किसी जानकारी के बिना ही अपने खाता संबंधी बातचीत की, कि उनके खाता से कोई पैसा न निकाल सके। लेकिन उनका भ्रम उस वक्त टूट गया जब खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए गए। मेरे साथ 31 तारीख की रात को 12:15 बजे करीब फोन आया था। वो कह रहा था मैं भारतीय स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ और आपके अकाउंट से 40,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, आपने किया है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता किसने किया है। तो उसने कहा अच्छा आपको पता नहीं, मैंने कि नहीं सर। तो उसने मुझे बता, मैंने कहा मैंने कि कहाँ से निकले, तो उसने मुझे बताया कि 20,000 तो निकले शिवाजी नगर गुड़गांव से और 10,000 की 2 ट्रांजेक्शन हुई है, वो हुई है ओल्ड रेलवे रोड से। तो उसने कहा अगर आपने नहीं निकाले हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक कर दूं क्या मैं? तो मैंने कहा सर कर दीजिए। तो वो बोला कि मैंने आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया ताकि आगे से कोई और ट्रांजेक्शन ना हो। ऐसा डेबिट हुआ जिसको लेकर ठगी के शिकार हुए अध्यापक ने बैंक का रुख किया। लेकिन अध्यापक की माने तो उन्होंने ना तो खाता संख्या का जिक्र किया था, लेकिन फिर भी फोन पर हुई बात के दौरान उनके खाते से पैसा निकाल लिया गया, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रवेश सिंह दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर हैं कि उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई कैसे मिलेगी। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। तो उसने इतना ही फ़ोन काट दिया। और काटने से पहले एक बात और उन्होंने कही कि आपके पास कोई फ़ोन आया था? मैंने कहा नहीं। आपने कोई ओटीपी बताया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बताया किसी को भी, कैसा भी। और उसके बाद वो बोला ओके ठीक, वो फ़ोन काट दिया। अब मैंने जब मैसेज देखे तो मेरे 40,000 रुपये कटे हुए थे, 40,000 रुपये काटे गए मेरे और मैंने सूरजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हाल फिलहाल में पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस तो ये कह रही है कि आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी तो आपके पैसे वापस होंगे 100%। लेकिन बैंक वाले कुछ अभी इस पर वो नहीं ले पा रहे हैं एक्शन, कि मतलब ना तो मुझे सलाह दे पा रहे हैं कि ऐसे करना है आपको, वहाँ पर रिपोर्ट कराइए तो आप रिपोर्ट की कॉपी हमें दें और इसके साथ डॉक्यूमेंट दें, कुछ भी नहीं। और ये कह देते हैं कि आप कल मिलना परसों मिलना, रोज़ टराते हैं मुझसे। हर डेबिट कार्ड में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसमें अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी सेव रहती है। जालसाज स्कीमर नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल कार्ड क्लोनिंग के लिए करते हैं। इस डिवाइस को एक कार्ड स्वैपिंग मशीन में फिट कर दिया जाता है और कार्ड स्वाइप होने पर ये कार्ड की डिटेल्स को कॉपी कर लेती है। इसमें अकाउंट से जुड़ी सभी जानकारी शामिल रहती है। कॉपी किया गया डेटा एक इंटरनल मेमोरी यूनिट में स्टोर हो जाता है। देखिए ये मामला अभी संज्ञान में लाया गया है, हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि आजकल ATMs में फ्रॉड्स काफ़ी हो रहे हैं, उसी तरह से एक तरह हमारे यहाँ के रहने वाले शिक्षक उसका शिकार हो गए हैं। हम लोग ATM से जो भी फुटेज वगैरह है उसे निकाल कर उसमें।
बैंक के कर्मचारी इस ठगी के किस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मसला संगीन है कि ऐसी वारदातों पर कैसे लगाम लगाई जाए। साइबर सेल के जरिए अब उस गिरोह के ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश जारी है जिन्होंने जनता की खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ करने में महारत हासिल की है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रणव भारद्वाज, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। जुर्म और अपराध जगत से जुड़ी यह दास्तां हाथरस से है, जहां दो बड़ी आपराधिक वारदातों से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जमीन विवाद में एक शख्स को जान से हाथ धोना पड़ा, वहीं दिन दहाड़े एक छात्रा को बदमाश किडनैप कर फरार हो गए। इस रिपोर्ट को देखिए। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद हाथरस में आपराधिक वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस भले ही क्राइम कंट्रोल के लाख दावे करे, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाथरस में मंगलवार की सुबह दो बड़ी आपराधिक वारदातों ने दस्तक दी, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पहली तस्वीर नगलाई मलिया गांव की, जहां दो परिवारों के बीच हुआ जमीन विवाद एक शख्स की मौत का सबब बन गया, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे 93 इलाके में हुई, जहां कुछ अज्ञात बदमाश एक युवती को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। दुनिया से रुखसत हो चुका शख्स, रोते बिलखते परिजन, पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा और हर तरफ सनसनी। नगलाई मिलिया गांव से सामने आई इन तस्वीरों ने कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम किया है। जमीन विवाद में एक युवक की जान चली गई, वहीं दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। 15 बीघा जमीन को लेकर दो परिवारों के झगड़े में गोली चलने से एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें देर शाम एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। नगला इमलिया थाना हाथरस सेक्शन की घटना है, जिसमें एक ही परिवार के दो चचेरे तेरे भाइयों द्वारा एक बंटवारे के विवाद को लेकर के और फायरिंग की गई तमंचे से, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते वक्त मृत्यु हो गई और उनका एक व्यक्ति, दो व्यक्ति घायल है, जिसको अलीगढ़ रेफर किया गया है। जमीन विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच एक बेगुनाह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन हाथरस में इस कहानी के परे जो हिला देने वाली वारदात बदमाशों ने गढ़ी, उसका शिकार एक एमबीए की छात्रा बनी। देखिए, बीती शाम बैंक में पैसे जमा करने गई छात्रा कैसे एक बड़ी साजिश का शिकार बन गई। ये बेहद सनसनीखेज वारदात हाथरस के थाना कोतवाली इलाके की, जहां सड़क किनारे बेहोशी की हालत में एक युवती मिली। वारदात की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक युवती एमबीए की छात्रा है और मैनपुरी की रहने वाली है। परिजनों का साफ कहना है कि युवती घर से बैंक में पैसे जमा कराने गई थी, इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत परिवार ने मैनपुरी के भोगाव थाना में कराई थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। पूर्ण रूप से ये युवती भोगा मैनपुरी की रहने वाली थी और वहीं पर उसके साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसको वहां से, जैसा उसके द्वारा बताया गया, किडनैप करने के उपरांत। दिन दहाड़े हुई इन दो बड़ी वारदातों ने जिले में कानून के इकबाल पर दाग लगाने का काम किया है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या क्राइम कंट्रोल का हर दावा महज कागजों तक सीमित है, या पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में वाकई नाकाम। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। धुंध गहराते ही जिला गाजियाबाद पुलिस के कान तक एक लूट की सूचना मिली। हाईटेक कही जाने वाली गाजियाबाद पुलिस ने कमर कसी और निकल पड़ी उन बदमाशों की घेराबंदी करने, जिन्होंने कानून को चैलेंज किया था। मगर बारी बदमाशों के मकसद पर पानी फेरने की आई तो पुलिस को गोली खानी पड़ी, लेकिन गोली खाकर भी पुलिस वालों ने हार नहीं मानी। अगर हार मान ली होती तो पुलिस के हत्थे ये दो शातिर नहीं लगे होते। हार मान ली होती जख्मी हुए एक सिपाही को लेकर
तो फरार हुए अपराधियों की धरपकड़ का जोर कमजोर पड़ जाता। लेकिन गोली का जवाब गोली से देने वाली पुलिस ने जिस तरह से बदमाशों के छक्के छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, वहां कार लूटकर भाग रहे अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। शाम गहराते ही पुलिस को सूचना मिली कि एक कार सवार को बाइक सवार चार अपराधियों ने टारगेट बनाया, जो कार लूटकर हिंडन चौकी इलाके की तरफ बढ़े। मिली सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम ने रणनीति बनाई कि अगर मुठभेड़ हुई तो कैसे हालात को संभाला जाएगा। लेकिन इस सोच से परे जब बदमाशों को ये लगा कि उन्हें गोली खानी पड़ेगी, तो पुलिस के मन में उन्होंने अपनी बंदूक से निकलती गोलियों से ऐसा खौफ भरा कि पुलिस को पैर पीछे करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि कार लूट कर ले जाने की फिराक में आए अपराधियों ने इसी सड़क पर आम जनता की सुरक्षा को धता बताने की कोशिश की। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक थाना साहिबाबाद पुलिस को सूचना मिली कि राजेंद्र नगर कॉलोनी से एक सियाज कार लूट के कुछ बदमाश फरार हो गए हैं। इस सूचना पे चूंकि उस समय चेकिंग भी चल रही थी, पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस पार्टी बना के पीछा किया गया उनका, आगे गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया, उसके बाद पीछा किया गया। जब हम हिंडन पुल से इंदिरापुरम दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं तो यहाँ पुलिस पार्टी पे उस गाड़ी में से दो बदमाशों ने फायर कर दिया। कार लुटेरों पर मानो खून सवार था, वो ना तो जनता की परवाह कर रहे थे ना ही पुलिस वालों की जिंदगी, बस अंधाधुन गोलियां दागने लगे। जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन जिंदगी मिटाने पर आतुर कार लूट कर भाग रहे अपराधियों पर नकेल न कसा जा सका। उसके बाद कूद के भागने लगे, पुलिस ने भी काउंटर फायरिंग किया तो यहाँ पे दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इस एनकाउंटर में एक थाना साहिबाबाद का एक सिपाही अजीत, वो भी फायर आर्म इंजरी हुई है उसको, उसको भी एडमिट करा दिया गया है। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो फ़िलहाल एक पिस्टल, एक तमंचा, कुछ कारतूस और जो गाड़ी का ओनर था और ड्राइवर भी वही था, उसका पर्स भी एक बदमाश के पास से मिला है जिसमें कुछ पैसे और उसकी अन्य वैल्यूएबल्स, क्रेडिट कार्ड वगैरह थे। बदमाशों और पुलिस के बीच जमकर गोलियां चली। आम पब्लिक को रास्ते से डाइवर्ट किया गया कि इस मुठभेड़ में किसी बेगुनाह को गोली ना लगे, लेकिन गोली तो लग चुकी थी इस मुठभेड़ के दौरान, वो भी गाजियाबाद पुलिस के सिपाही को। इसे संभालते ही पुलिस ने दो बाइक पर भाग रहे अपराधियों पर शिकंजा कसा। शातिर दीपक चौधरी और मोनू चौधरी, जो अपने बदमाश साथियों को कवर फायरिंग देने के दौरान गाजियाबाद पुलिस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हुए, क्योंकि पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि सवाल सिपाही की वर्दी को भेदती उस गोली से था जिसे चलाने से पहले अपराधियों ने अंजाम की परवाह जरा भी ना की। बाकी दो बदमाश गाड़ी में थे जो गाड़ी को लेकर भाग गए हैं, उनकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और जो सीमावर्ती क्षेत्र है कंट्रोल रूम के माध्यम से उनको भी सूचित कर दिया गया है, उनकी सघन तलाश की जा रही है, शीघ्र ही हम उनको भी पकड़ लेंगे। इन पे कुछ इनाम भी था? नहीं, ये तो तत्काल की घटना है और उसके बाद तत्काल पुलिस ने ट्रेस किया है क्विक रिस्पॉन्स करते हुए, तो इनाम वाली कोई बात नहीं है। पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर अपराधी दीपक चौधरी के पास से एक तमंचा समेत पिस्टल और जिंदा कारतूस और लूट का माल मत्ता बरामद किया है जिसे कार सवार से लूटा गया था। पुलिस अब मुठभेड़ में दबोचे गए दोनों शातिरों की कुंडली के आधार पर फरार हुए शातिरों के ठिकानों की पड़ताल करने में लगी है कि वो कार लेकर कहां फरार हुए। क्राइम कंट्रोल के लिए हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। हल्द्वानी में पुलिस ने एक महिला का नरकंकाल बरामद करने के बाद मृतक महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। नरकंकाल का जब पोस्टमार्टम कराया गया तब सिर में गहरी चोट के निशान मिले थे और पूछताछ में लोगों ने भी शक जाहिर किया था। पुलिस की माने तो आरोपी ससुर अपनी बहू पर शक करता था और इसी को लेकर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन जब वो अपना सामान लेने घर लौटा तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और ये बताया कि उनको सीमा के ऊपर शक था कि वो शायद किसी और व्यक्ति से बात करती है, इसी शक को लेकर उन्होंने उसके सिर में चोट मारी और बाद में जब गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, शव झाड़ियों में फेंक दिया।
मेरठ में पेड़ से लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। घोपला गांव का रहने वाला विशन पाल नाम का शख्स घर से झगड़ा कर बाहर चला गया था और उसने शराब भी पी रखी थी। सुबह तक घर नहीं लौटने पर जब छानबीन की गई तो पेड़ से उसका शव झूलता हुआ मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हाँ, उसका शव आत्महत्या जैसी स्थिति मिला है, उसको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, वहीं उनके परिवार का आरोप है कि यह सुसाइड नहीं, हत्या है। हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि उस कंडीशन मिला है, लेकिन असली जो वजह है वो वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पता चल जाएगा। पिथौरागढ़ में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर पर शराब तस्करी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्त में लेकर 616 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आबकारी इंस्पेक्टर ने अवैध शराब की बरामदगी के दौरान फर्जी कागजात भी पेश किए हैं। आरोपी इंस्पेक्टर से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया है। वहीं अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। उन्होंने फर्जी दस्तावेज क्रिएट किए गए ताकि जो थल में जो पुराने व्यवस्थापन की जो शॉप थी वहाँ से जो 616 पेटी अंग्रेजी शराब है वो धारचूला की तरफ ली जाए, और इन्होंने इसको एस्कॉर्ट भी किया था, तो इनको हमने गिरफ्तार किया है। उस्मान ने अपनी कोख से जन्म लेने वाली औलाद के लिए क्या कुछ नहीं किया था। सालों रात जग कर काटी तो बेटे ने होश संभाला और माँ की जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो उसने दरकते रिश्ते की ऐसी दास्तान उकेरी कि सच्चाई देखने वालों की आह निकल गई। घर की दहलीज के बाहर लोगों की भीड़ जुटी है। घर के भीतर से मातनी चीखें निकल रही है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को किसी की सुध नहीं, ना तो किसी की हमदर्दी काम आ रही है, ना ही भरोसा। छाती पीट पीट कर रोती इन महिलाओं की जुबान से बस यही बद्दुआ निकल रही है कि जिन्होंने इस घर की खुशियां तबाह की उन्हें ऊपर वाला कभी माफ न करे। सुनकर हैरानी होगी कि इस घर को उजाड़ने वाला रज्जो का अपना सगा था, अपना खून था, जिसने रिश्ते का लहू बहा दिया। एक बार भी रज्जो के बेटे के हाथ नहीं कांपे कि जिस माँ ने उसकी परवरिश की खातिर जिंदगी भर तकलीफों का सामना किया, उस माँ के लिए बेटे की क्या जिम्मेदारियां बनती थी। लेकिन वक्त के आगे भला किसकी चली है। जिस माँ ने बेटे को अपने बुढ़ापे की लाठी समझने की भूल की, उस कलयुगी बेटे ने विश्वासघात की ऐसी दास्तान उकेरी कि रिश्तों की रूह कांप उठी। घटना हुई है साहब, इनका नाती इनका लड़का ने मारता था जमीन के पीछे, रात थोड़ी मारी टुकड़िया। क्या पहले भी इनके साथ मारपीट कर चुके हैं? हाँ, बिल्कुल पहले हुई है, 8-10 बूंदा मारी है। गांव में इन्हें शिकायत भी करी है और थाने में अप्लीकेशन दे के आई है, किसी ने इसकी ना सुनी। सर, रात कहाँ पर थी ये? रात वहाँ गणेश जी के घर पर सो रही थी। तो इनके लड़कों ने नाती ने मारा इन्हें? हाँ जी। क्या मामला है, किस चक्कर में मारा इन्हें? चक्कर का जमीन कोई मैटर है, जमीन डुगरिया खेती धमकी देती कि मुझे रोटी दे देंगे, जमीन बेचूंगी, लेकिन इन्होंने काम करो का जमीन बेचे तो और कोई ले लो का दादी मारी तो हवाल काटो उसका। अच्छा, क्या कितनी जमीन थी इनके नाम? लगभग है 2-2.5 बीघा जमीन है। सालों पहले रज्जो अपने बेटे से अलग हो चुकी थी, जो किसी दूसरे के भरोसे अपना बुढ़ापा काट रही थी, लेकिन बेरहम दिल बन चुके बेटे ने माँ की तरफ एक बार न पलट कर देखा कि वो क्या खाती है, क्या पहनती है और कैसे अपना वक्त काट रही है। उसे तो सिर्फ एक बात की परवाह थी कि वो कैसे अपनी तिजोरी भर सके। ये खेत में आए का रात में शोर शराबा सुना। हाँ। हम उसके पास गए, वो खुद ही मार रहा था अपनी माँ को। फिर उसके बाद? उसके बाद यहाँ से ले गया और अपने घर जाकर मार दी। अच्छा, मोहल्ले वालों ने बचाया था उन्हें? मोहल्ले वाले 2-4 जने मना कर रहे, मानो ही ना कहो। तो फिर यहाँ से खींच कर कहाँ ले गया था? अपने घर। कलयुगी बेटे ने माँ की ममता भुला दी, उसकी परवरिश का ऐसा सिला दिया कि देखने और सुनने वालों की उफ निकल गई। क्या कोई बेटा लालच में ऐसा बन सकता है? लेकिन 2 बीघे जमीन के लालच ने उसे इतना खुदगर्ज बना दिया कि उसने माँ की हस्ती मिटाने की ठान ली।
बेजान हो चुकी रज्जों से लिपट कर रोने वालों की भीड़ इसलिए उमड़ी है क्योंकि उनका दिल हर किसी के लिए साफ था। वो हर जरूरतमंद के काम आती थी। उसने अपने रहते भर में किसी का दिल न दुखाया, लेकिन रज्जो के दुखते दिल का हिसाब किसी के बस की बात न थी। बेटे ने घर से बेदखल कर रखा था और बुजुर्ग माँ गैरों के टुकड़ों पर पल रही थी। एक एक पल वो बोझ की तरह जी रही थी, लेकिन इन बातों से बेटे को कोई फर्क न पड़ा। टैटू लगा मैं क्या बात है? टैटू दे दिया किसका? अपन बाप। क्यों? जमीन के पीछे बाबू। कितनी जमीन? दो बीघा उसके नाम, दो बीघा मेरे नाम। अच्छा, फिर क्या आया मन में आपके? कैसे कैसे करी आपने घटना? गलो पकड़ लो उसको। अपनी माँ का दर्द नहीं हुआ तो अपनी माँ को मारते हुए? दर्द तो हुआ। फिर क्यों मार दिया दो बीघे जमीन के लिए? भाभी बहुत परेशान करती है मेरी। बहुत परेशान करती है? हाँ, पटा बुलवा दिया थाने में, कई कई तो उसे मार दिया, कई पोता पकड़वा। कौन कौन शामिल था तुम्हारे साथ उसे मारने में? माँ को किस किस ने मारा मिलके? और कोई ना भाई, मैं ही अकेले मारा। अब कुछ पछतावा है अपनी माँ को मारने के बाद? या ना पछता रहा है? अब जेल में पछता रहा है। पछता रहे हो? लालच के जंग ने रिश्तों को इस कदर कमजोर कर दिया कि सुमवेरी भूल बैठा कि उसकी माँ के प्रति जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो तो सिर्फ एक सनक में रहने लगा कि वो कैसे अपनी माँ की दो बीघा जमीन पर हक जमा सके। और इसी सनक में उसने वारदात वाली सुबह अपनी माँ की पिटाई घर वालों के साथ मिलकर की, और उससे भी जीना भरा तो माँ की जान ही निकाल ली। आज धनारी पुलिस सूचना मिली कि ग्राम पीपलवाड़ा में एक महिला की हत्या कर दी गई। सूचना तत्काल पुलिस घटना से वहाँ पर ये पता लगा कि महिला की हत्या उसके बेटे ने ही की है और गला दबा के हत्या की है। इस आधार पर पुलिस ने तत्काल उसके बेटे को जो वहीं पर मिल गया घटनास्थल पर ही उसको अरेस्ट कर लिया है और उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर में दो लोगों का नाम है, एक तो उसके लड़के का नाम है और दूसरे उसकी पत्नी का नाम है। जल्लाद बने बेटे ने रज्जू की गला घोटकर हत्या कर डाली और इस बात की तस्दीक इलाकाई लोगों ने की, जिनके बयान के आधार पर पुलिस ने केस कायम किया और सुमेरी समेत उसकी पत्नी और बहू बेटे के खिलाफ केस लिखा, जहां गिरफ्त में आए आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई में जुटी। क्राइम कंट्रोल के लिए दीपक कुमार, न्यूज स्टेट, संभल। बुलंदशहर में बोरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। ईशापुर गांव के खेत में महिला का शव बोरे में बंद मिला। उसके हाथों में मेहंदी भी लगी थी। हालांकि शरीर पर कोई भी गंभीर चोट के निशान नहीं मिले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला की हाल ही में शादी होने वाली थी। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त करने में लगी है और हत्या की गुत्थी जल्द सुलझाने का दावा किया जा रहा है। प्रथम दृष्टि ये लग रहा है किसी ने मारकर फेंका है बॉडी को, लेकिन कैसे मारा है वो सब क्लियर हो पाएगा। शिनाख्त अभी हो नहीं पाई है तो जल्दी चेहरा क्लियर है तो अभी शिनाख्त भी हम जल्दी करवा लेंगे। प्रयागराज में महिलाओं के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ये मामला ममफोर्डगंज इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक महिला एनजीओ चलाती है और आवारा कुत्तों को अपने घर पर रखती है, जिससे आसपास के लोग खासे परेशान थे और उन्होंने महिला को कई बार एनजीओ बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब महिला नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। आजमगढ़ में एक भाई ने दूसरे भाई की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की। मामला जहाना गंज थाना इलाके का है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों चचेरे भाई पेशेवर चोर हैं। आशंका जताई जा रही है कि चोरी की रकम को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया था। इसी दौरान नरौली पुल के पास तमसा नदी के किनारे चचेरे भाई ने गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की। घायल युवक को देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। तेईस साल पहले जवाहर पंडित की हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें काफी लंबी चली सुनवाई के बाद कोर्ट 4 नवंबर को आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस रिपोर्ट को देखिए। बहुचर्चित पूर्व एसपी विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड मामले में इलाहाबाद ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 23 साल पहले 13 अगस्त 1996 को सिविल लाइंस इलाके में जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एडीजे बद्री विशाल पांडे ने इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 18 अक्टूबर को
फैसला सुरक्षित रख लिया था और 31 अक्टूबर को चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद 4 नवंबर को कोर्ट ने करवरिया बंधुओं कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही चारों आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में 7,20,000 का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में कोर्ट के सजा सुनाते ही जवाहर पंडित की पत्नी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने इस फैसले को न्याय की जीत बताया। 23 साल पहले मेरे पति का AK-47 सिविल लाइन दिनदहाड़े उनके ऊपर गोली चलाई गई। आज चारों आरोपी का जीवन सजा मिला। मुझे उम्मीद था, भरोसा था कि देर है अंधेर नहीं है। 23 साल बाद मुझे न्याय मिला। मैं अदालत को बधाई देना चाहती हूँ कि 23 साल देर तो हुआ, मतलब न्याय मुझे मिला। इस मामले में बचाव पक्ष ने भी कोर्ट में बहुत सी दलीलें पेश की थी, लेकिन वह सभी धरी की धरी रह गईं और आखिरकार आरोपियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। क्राइम कंट्रोल में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।